मंडी जिला के सुंदरनगर में सरकारी दीवारों, बिजली बोर्ड के खंभों सहित वर्षा शालिकाओं पर हर जगह पोस्टर ही पोस्टर लगने से सुंदरनगर की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। यह तमाम गतिविधियां प्रशासन और सरकार की अनुमति के बिना अमल में लाई जा रही है। हर ओर निजी कंपनी और शिक्षण संस्थानों द्वारा जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। ऐसा ही ताजा मामला शनिवार को भी देखने को मिला, जहां नरेश चौक में दो युवकों द्वारा सरेआम वर्षा शालिकाओं व बिजली के खंभों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। जैसे ही युवकों ने मीडिया का कैमरा देखा तो युवक वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं मामले पर सुंदरनगर की जनता ने कड़े शब्दों में संज्ञान लिया है और इन निजी कंपनियों व शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी दीपक धीमान ने सरकार से मांग की है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो कि शहर की सरकार की वर्षा शालिकाओं और बिजली के खंभों पर पोस्टर और दीवारों पर चिपकाकर खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। मैं सुंदरनगर का स्थानीय निवासी गांव जांगर वार्ड नंबर 10 से हूं। मैं यहां देख रहा हूं कि जितनी भी ये निजी कंपनियां जो हैं अपने प्रचार हेतु ये सरकारी जितने वर्षा शालिका या पोल, बिजली के सरकारी पोल या कहीं दफ्तर, उनकी दीवारों पे जो है अपने पोस्टर लगाते हैं और अपना काम उल्लू सीधा करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। जब इनको देखा जाए, एक दो बार हमने इनको बोला भी कि आप जो है इसकी सुंदरता क्यों खराब कर रहे हैं, तो ये लोग जो है भाग जाते हैं बाद में। मेरी प्रशासन और सरकार से यही मांग है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कोई कार्रवाई की जाए। मंडी जिला के सुंदरनगर में सरकारी दीवारों, बिजली बोर्ड के खंभों सहित वर्षा शालिकाओं पर हर जगह पोस्टर ही पोस्टर लगने से सुंदरनगर की सुंदरता पर ग्रहण लग रहा है। यह तमाम गतिविधियां प्रशासन और सरकार की अनुमति के बिना अमल में लाई जा रही है। हर ओर निजी कंपनी और शिक्षण संस्थानों द्वारा जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए गए हैं। ऐसा ही ताजा मामला शनिवार को भी देखने को मिला, जहां नरेश चौक में दो युवकों द्वारा सरेआम वर्षा शालिकाओं व बिजली के खंभों पर पोस्टर चिपकाए जा रहे थे। जैसे ही युवकों ने मीडिया का कैमरा देखा तो युवक वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं मामले पर सुंदरनगर की जनता ने कड़े शब्दों में संज्ञान लिया है और इन निजी कंपनियों व शिक्षण संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासी दीपक धीमान ने सरकार से मांग की है कि ऐसी कंपनियों के खिलाफ उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए, जो कि शहर की सरकार की वर्षा शालिकाओं और बिजली के खंभों पर पोस्टर और दीवारों पर चिपकाकर खूबसूरती को खराब कर रहे हैं। उपमंडलाधिकारी सुंदरनगर धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि मामला ध्यान में आया है, जल्द ही इन शिक्षण संस्थानों व निजी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए सुंदरनगर से निदेश सैनी की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।